हेलो, जय हिंद एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जनरल ज्ञान। दिस इज हेमंत पुरी। सो इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा इंडियन इकोनॉमी का बुक है महेश कुमार बर्नवाल सर का, जो कि बेस्ड है क्लास 6 टू 12 तक के एनसीईआरटी के बुक्स पे। तो देखो, इस बुक में मैं आपको इस बुक का कंटेंट दिखाऊंगा, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस कुछ दिखाऊंगा जो रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फिर मैं इस बुक का इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा और फिर वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप इस बुक के पीडीएफ को कहां से डाउनलोड कर सकते हो, या इवन आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहो तो कहां से कर सकते हो। तो देखो, बुक का कुछ ऐसा फ्रंट पेज दिख जाएगा जिसपे इटसेल्फ लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी अ जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखो, उस बुक का प्राइस है 440, बट आपको ये स्टोर्स पे 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी आप लेते हो तो 50% अप्रॉक्स डिस्काउंट पे मिल जाएगा। मीन्स आपको 220 रुपीज़ के आसपास ये बुक मिल जाएगा। तो देखो, इस रिव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग देख लेते हैं, इंडेक्स को, ठीक है। अब देखो, अगर आप इस वीडियो का को अगर आप देख रहे हो, मीन्स सीरियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम गुड एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी, एनएसटीएट, पीसीएससी, या फिर आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसके सिलेबस को एक बार देख लो, जो भी इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ठीक है, और उसके बाद एक बार ये कंटेंट को मैच कर लो। अगर आपको इसका कंटेंट उस सारे सिलेबस को मैच करता है, फिर ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर दिस बुक। एंड बिलीव मी, अगर आप ये बुक पढ़ लेते हो ना, तो आपको इकोनॉमिक्स में और कोई दूसरा बुक पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज देखो, इकोनॉमिक्स के लिए ये गुड मोर देन इनफ बुक है। तो देखो, मैं कंटेंट का मेनली मतलब जो मेजर टॉपिक्स है ना, वही बताऊंगा। तो देखो, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स से आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को इस बुक में डिटेल में कवर किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, ठीक है। फिर आप इधर देख लोगे क्या कि मार्केट मैकेनिज्म है, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन है, ठीक है। फिर आप नीचे आओगे तो आपको मिल जाएगा, देखो, यूनिट टू में नेशनल इनकम एंड स्टेट ऑफ इकोनॉमी मिल जाएगा, जिसमें आपको नेशनल इनकम पहले पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो इधर सिक्स में यूनिट थ्री में आ जाएगा मनी वर्सेस सप्लाई, ठीक है। तो मनी देख लो, मनी सप्लाई, ठीक है। उसके बाद आप इधर देख सकते हो इन्फ्लेशन है, ठीक है। फिर यहाँ आप देख लो यूनिट फोर में आ जाएगा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, जिसमें बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया दिख जाएगा, बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। फिर आप जब आगे आओगे तो आपको पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी इधर दिख जाएगा, ठीक है। फिर अगर आगे हम लोग देखते हैं तो बैलेंस एंड पेमेंट एंड फॉरेन आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। फिर आप यूनिट फाइव में देखोगे तो ह्यूमन एज अ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल दिख जाएगा, ठीक है, जिसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया आपको दिख जाएगा, जिसमें डेमोग्राफी, साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजेशन, ये हर चीज़ दिख जाएगा, एक्सप्लोशन, ठीक है। फिर अगर आप आगे आते हो तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी दिख जाएगा इधर, ठीक है। फिर अगर और हम लोग आगे देखें तो देखो, यूनिट सिक्स में आपको दिख जाएगा नेचर एंड इकोनॉमी एंड नेचर ऑफ इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दिख जाएगा, जिसमें आपको नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट दिखेगा, ठीक है। फिर अर्बनाइजेशन आप देख सकते हो, ये सब कंटेंट है, ठीक है। और आई होप कि आप इकोनॉमी में यही सब पढ़ना चाहते होगे, यहीं से क्वेश्चंस भी आता होगा। चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी बहुत सजा के इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो। फिर आपको आ जाएगा यूनिट सेवन में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जो कि एक मेजर पोर्शन शेयर करता है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। फिर आप इसमें आ जाओगे लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, फिर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, देखो ये दो बार इसलिए दिया हुआ है ना कि दो बार हुआ है, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स, तो एक स्टेट से रिलेटेड है और एक सेंटर से रिलेटेड है। फिर यूनिट एट में दिखेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। देखो, अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है, ठीक है, कि अगर ये सब भी पॉइंट, तो आप वीडियो को पॉज करके इन सब को भी पढ़ सकते हो। फिर देखो, लेबर पॉलिसीज इन इंडिया है, ठीक है। फिर पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। फिर यूनिट नाइन्थ में आपको मिसलेनियस दिख जाएगा, जिसमें आप इसमें देख सकते हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आप इसमें देखो, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स को भी दे रखा है, ठीक है, G7 इनफॉर्मली, जो G8 है, G20 है, यूरोपियन यूनियन है, जितने भी मतलब इससे रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड ग्रुप्स हैं ना, उनको भी इसने मेंशन कर रखा है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट देख सकते हो। और यूनिट 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपेंडिक्स, ठीक है, इसमें अपेंडिक्स भी दिख जाएगा। देखो इसमें ना, मैं लास्ट में दिखाऊंगा, वैसे हमारे जो कंट्री में वेरियस इंस्टीट्यूशंस है जो क्रेडिट रिलेटेड वर्क करती है, सबके बारे में इन डिटेल दिया हुआ है, ठीक है।
आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो इन सबको होल्ड करके पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक पीडी एक चैप्टर दिखाने एक दो चैप्टर दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कितना डिटेल में दिया हुआ है आप समझ सकते हो। देखो चैप्टर वन है इसका, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी दिया हुआ है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है, सिग्निफिकेंस देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अचीविंग सोशियो इकोनॉमिक इफिशियंसी, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। बस ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप एक आपको एक एक्सपोजर मिल जाए कि बुक में कंटेंट कैसे दिए हुए हैं, ठीक है। देखो डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो जिसके जो जो मेजर थे ना, जैसे आप इकोनॉमी अगर पढ़ रहे हो, एडम स्मिथ को नहीं पढ़े तो आप फिर इकोनॉमी नहीं पढ़े, क्योंकि इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हो बहुत डिफरेंट 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 जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं ना, उनके डेफिनेशंस। फिर इकोनॉमिक्स एज अ साइंस कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव साइंस या नॉर्मेटिव साइंस, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, वॉट आउट बी, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये सब। फिर देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, इन्हीं दोनों से मेनली आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, आप देख सकते हो कितना डिटेल में इसमें कंटेंट दिया हुआ है। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो ना, आपको आई गारंटी कि दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे बाहर नथिंग इज गोइंग टू बी आस्ट। हाँ एक चीज़ है, इसमें अपडेटेड अगर आप सोचोगे कि हाँ बिल्कुल अपडेटेड मिले जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो वो तो इसमें नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको ऑब्वियसली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, ठीक है। फिर यहां देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी है, कंट्रोल या रेगुलेशन, डेवलपमेंट, इनकम, फिर सेक्टर्स है, फिर ग्लोबल रिलेशंस है, ठीक है, फिर इनको कैसे कैटेगराइज करना है, आप देख सकते हो। अगर आप चाहो तो वीडियो को होल्ड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, और सबको इन डिटेल मतलब दिया हुआ है, ठीक है। फिर देख सकते हो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, जो हम लोग क्लास 6-7 के एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर देखो मेजर डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, यहाँ भी देख सकते हो। एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स देख सकते हो कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है। फिर ह्यूमन कैपिटल क्या है, सोशल कैपिटल क्या है, और देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हर एक चैप्टर जैसे ही खत्म होता है उसके बाद क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे दिया गया है, अ क्लोज इकोनॉमी इज एन इकॉनमी इन विच मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल्ड, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस, ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, अनदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस, ठीक है। तो देखो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएगा और लास्ट में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। देखो लास्ट में क्या मिलेगा, इसी में मिल जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन है और जो ब्लू करके दिया हुआ है ना, ये आंसर है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ देखोगे ब्लू करके दिया हुआ है, ये आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और यहाँ ब्लू करके दिया हुआ है, आंसर है, ठीक है। मतलब ऑप्शन में ही आपको आंसर मिल जाएगा, तो ये प्रैक्टिस के लिए भी ठीक है। अब देख सकते हो चैप्टर 2 है, मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब अगर आप चाहो तो इनको होल्ड करके पढ़ सकते हो। देखो इसमें डिमांड सप्लाई, ठीक है, फिर सरप्लस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, शॉर्टेज क्या होता है, सबको ग्राफ से समझाया हुआ है, ठीक है। फिर इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ दिया गया है, इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, ठीक है। देखो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ एंड ऑफ डिमांड, तो इसमें कुछ कुछ गुड्स के टाइप्स होते हैं, ये आप देख सकते हो, सप्लाई क्या है, ठीक है। अब देखो ये भी चैप्टर जैसे खत्म होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो लास्ट में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है इंडिया में, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, आप क्रिसिल का नाम सुने होगे, शायद नहीं सुने होगे, केयर का, मैं आपको कुछ कुछ दिखाता हूँ जिसका आप नाम सुने होगे, मूडीज का तो पक्का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जॉन मूडी के द्वारा 1909 में ये फॉर्म किया गया था। तो ये सब क्या है, रेटिंग एजेंसीज हैं जिनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। एजी मार्क तो आपने देखा ही होगा, मेजर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मार्क्स इन इंडिया, एजी मार्क्स, आईएसआई मार्क्स, ये आईएसआई का सिंबल है, ठीक है। बीआईएस हॉल मार्क देखे ही होंगे, द ग्रीन एंड ब्राउन डॉट जो फूड पे रहता है, ठीक है, एफपीओ मार्क्स, फिर इको मार्क्स भी आप जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो पे कमीशन जितने भी आए हैं अभी तक, 7th पे कमीशन चल रहा है, 2016 से 26 तक चलेगा, ठीक है, ये भी आप दे सकते हो। फिर देखो लिस्ट ऑफ नोबल प्राइज लॉरियट्स इन इकोनॉमिक्स, जो जो रहे हैं उनके बारे में दिया हुआ है। फिर आगे जाओगे तो इंडियन का भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखो नोबल लॉरियट्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम इंडिया, अमर्त्य सेन रिसेंट में आपको याद होगा, अभिजीत बनर्जी को मिला था, ठीक है। तो मेनली देखो ये एक एक्सपोजर था। अब आप पूछेंगे ओके पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है, तो देखो इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, महेश कुमार बर्नवाल करके लिखा होगा, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल का है, उस टेलीग्राम चैनल में मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें मैं 2 चैप्टर का पीडीएफ दे चुका हूँ, ठीक है, इससे आपको एक एक्सपोजर मिल जाएगा कि कंटेंट कैसे है, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मन करे, अच्छा लगे ये बुक, तो आप खरीद सकते हो, ठीक है, एंड बिलीव मी दिस इज वेरी गुड बुक।
तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।